सारे शहर की गलियों की फोटोग्राफी कराओ, और फोटोग्राफी के बाद गलियां सड़कें सारी सब फोटोग्राफी कराओ, और एक महीने में 15 दिन में, एक महीना क्यों, अगर आप 10-15 लोग ले लेंगे तो एक दिन में 5-5-7 गलियां सब चेक कर लेंगे, तो 15 दिन के अंदर ऐसे 10 लोग 5 लोग 15 लोग जितने भी आपको हायर करने हायर करो, फोटोग्राफी कराओ, एक रिपोर्ट तैयार करो और मुझे 15 दिन में भेजो कि कहां कहां सड़कें गलियां टूटी हुई है, और फिर मैं इनको देख लूंगा। अगर ये कहते हैं सर ठीक है, मुझे सक्रिय इनका नहीं चाहिए, पब्लिक हेल्थ में ना, हाँ पब्लिक हेल्थ आदमी तो अपने काम को कहेगा ही ठीक है, मुझे सुनते हुए 6 महीने हो गए सिरसा की गलियां सड़कें, और आपने कमेंट कर दिया सब ठीक है। सर आप जो काम कर रहे हैं उसका तो हम राय साथ साथ बनाएंगे सर, जो अब चल रहा है काम वो तो बनाएंगे। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, आपने कहा कि पुराना सब ठीक है, जो अब चल रहा है वो भी हम देख लेंगे, लेकिन जो पुराने वाला सारा ठीक है, जिसका पैसा दुनिया भर का भेज चुके हैं, अगर हमारा कोई होगा हम बना देंगे। नहीं इंक्वायरी ये करेंगे, एडीसी कमेटी करेंगे, 15 दिन में सारा एक बार चेकअप करके सब बताओ। उसमें कमेटी गठित कर दी गई है मेरी अध्यक्षता में, एडीसी की अध्यक्षता में, और उसमें एक्सियन एमसी, एक्सियन पब्लिक हेल्थ और एक्सियन पीडब्ल्यूडी को उसमें रखा गया है, और हम लोग अलग अलग गलियों का सर्वे करते हुए लोगों को इन्वॉल्व करते हुए जो उस पर्टिकुलर एरिया के हैं, और जल्दी ही इसमें अपनी रिपोर्ट सीएम साहब को सबमिट करेंगे। तो सर कब तक फोटोग्राफी या सर्वे की बात की जाए, सर कब तक शुरुआत हो जाएगी? मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट वीक, इस वीक हम एक प्लानिंग बनाकर कौन कौन सी गलियां हैं जहां जहां सर्वे करना है, कौन सी सड़कें हैं, और नेक्स्ट वीक हम इसको शुरू करेंगे। लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे ताकि लोग पूरा कोऑपरेट करें सर? हाँ, लोगों के लिए, लोगों को जहाँ भी कोई समस्याएँ आ रही हैं वो हमारे नोटिस में लाएँ, और हम इसमें एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सीएम साहब को देना चाहते हैं।